क्योंकि एनडीटीवी एमपीसीजी जनता का सरोकार का चैनल है, जनता के मुद्दे उठाता है और हमको इस बात की बहुत चिंता है और हम इस बात की चिंता करना भी चाहेंगे कि आवाम के क्या मुद्दे हैं। मैं एक चीज़ बहुत संजीदा तौर से आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास 15 साल का अनुभव है सरकार इस राज्य को चलाने का। प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हिंदुस्तान को। अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं 2023 के आखिर में नवंबर दिसंबर में, तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में छत्तीसगढ़, जो कि संसाधनों से भरा हुआ एक प्रदेश है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या प्लान है? देखिए, छत्तीसगढ़ जैसा आपने बताया कि संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश छत्तीसगढ़ है, जहाँ लोहा भी है, जहाँ पे बॉक्साइट भी है, जहाँ कोल भी है, जहाँ अद्भुत संभावना है कि कोर सेक्टर में हम राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान को और मजबूत बना सकते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के दृष्टि से छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य में एक अपनी भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में नेटवर्किंग की जा सकती है, की जा रही है, तो आने वाला कल कोर सेक्टर में छत्तीसगढ़, वो चाहे एल्युमिनियम का हो, स्टील का हो, पावर जनरेशन का मामला हो, या छत्तीसगढ़ में दूसरे इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को एक सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से छत्तीसगढ़ में हम उन संभावनाओं का दोहन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कोर सेक्टर में एक लंबी छलांग छत्तीसगढ़ लगा सकता है। तो कोल सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने, कोर सेक्टर स्टील, सीमेंट, पावर, एल्युमिनियम, इसके डाउन स्ट्रीम में हम लगातार श्रृंखला खोल सकते हैं इंडस्ट्री के। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझाइए मुझे, आप अगर मुख्यमंत्री बने, अगर आपकी पार्टी चुनाव जीती, तो पहला एक सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ की आवाम के दिल के नज़दीक है, जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त होना? सबसे पहला काम आज छत्तीसगढ़ की जनता जो चाह रही है, देख रही है, इंतजार कर रही है, छत्तीसगढ़ को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा पीड़ा यदि किसी की है, पीड़ित यदि किसी से है, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, नीचे से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक, यदि आज छत्तीसगढ़ की पहचान कांग्रेस पार्टी की एटीएम के रूप में हो रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर में कहां तक पहुंची है?